हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति सुहाने। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन कुकिंग कल्चर। तो आज मेरे किचन में बनने वाला है चिली पनीर, विच इज मेड इन इंडिया। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और फटाफट से बनकर चिली पनीर तैयार हो जाएगा। बट आज हम जो चिली पनीर बनाएंगे उसे हम सेमी ग्रेवी के साथ बनाएंगे। वैसे तो चिली पनीर स्टार्टर में बनता है जिसे ड्राई बनाया जाता है, बट आज जो चिली पनीर है वो हम बच्चों की फरमाइश से बना रहे हैं, इसलिए मैंने इसमें लाइट ग्रेवी रखी है ताकि बच्चे इसे चपाती, पूड़ी या पराठे के साथ भी खा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देसी स्टाइल में चिली पनीर की रेसिपी। चिली पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए पनीर, जिसे हमें क्यूब्स में कट करना है। पनीर में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा चिली पाउडर और साथ ही इसमें जाएगा 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर के साथ इसमें थोड़ा सा मैदा भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे हमें लाइटली स्टेयर करना है, मींस हल्के हाथ से इसे हम मिक्स करेंगे ताकि पनीर टूटे ना। इसे प्रॉपरली मिक्स करें ताकि चिली, सॉल्ट और कॉर्नफ्लावर पनीर में अच्छे से चिपक जाए। एंड अगर आपको लगे ये बहुत ज़्यादा ड्राई है तो इसमें थोड़े से पानी के छींटे मारें और इसे हल्का सा लिक्विड कर लें। अब ये एकदम तैयार है, इसे हम गर्मा गर्म तेल में फ्राई करेंगे। पनीर को हमें डीप फ्राई करना है, इसलिए तेल अच्छा गर्म हो और गैस की फ्लेम हाई ही रखें। अब हल्के हाथ से हम इसे रोटेट करेंगे ताकि ये सभी एक साथ चिपक ना जाएं। जस्ट जेंटली फ्राई देम ऑन मीडियम टू हाई हीट। पनीर में कॉर्नफ्लावर डालने से पनीर के जो ऊपर का शेल होता है वो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची हो जाता है। जब सॉस के अंदर हम इसे टॉस करते हैं तो ये सारा कॉर्नफ्लावर सॉस को सोक अप कर लेता है और बहुत ही ज़्यादा टेंडर और जूसी हो जाता है। इससे चिली पनीर खाने में बहुत ही स्वादिष्ट भी लगता है। अब पनीर सिककर तैयार है, इसे हम ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। ये काफ़ी क्रिस्पी भी है। पनीर तो तैयार है, अब हम इसकी सॉस तैयार करेंगे। सॉस बनाने के लिए मैंने एक पैन को गैस पर रख दिया है। पैन को हम हाई हीट पर गर्म करेंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल अच्छा गर्म हो गया है तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे अदरक, फिर इसमें हम ऐड करेंगे बारीक चॉप लहसुन। लहसुन और अदरक को हम एकदम बारीक चॉप करके फ्राई करेंगे। इसे लाइटली फ्राई करना है, कम्प्लीटली ब्राउन नहीं करना है। इसे हमें हल्का सा सेकना है, जब ये लाइट सिक जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे डाइस्ड अनियन। अब इसमें ऐड करेंगे डाइस्ड येलो एंड रेड पेपर, साथ ही ग्रीन कैप्सिकम। अगर आपके पास रेड येलो कैप्सिकम नहीं है तो भी चलेगा, आप सिर्फ ग्रीन कैप्सिकम से भी चिली पनीर बना सकते हैं। हल्का चलाते हुए इन्हें भी हमें लाइट सौटे करना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 हरी मिर्च, ये ऑप्शनल है। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप और भी ज़्यादा चिली इसमें ऐड कर सकते हैं। जब तक ये लाइट सौटे होंगे, थोड़ी सी मिर्च में हल्का पानी ऐड करेंगे और इसका मिक्सचर तैयार करेंगे। यहाँ मैंने थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ली है, इसे हम पानी में घोलकर तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इसे पहले से भी घोलकर रख सकते हैं। अब इस चिली मिक्सचर को हम मसाले में ऐड कर देंगे। चिली मिक्सचर ऐड करने के बाद मसाले को हम 30 सेकंड तक भूनेंगे।
एंड अब इसमें जाएगा सोया सॉस। इसे भी मिक्स कर लेते हैं। साथ ही अब इसमें जाएगा थोड़ा सा टोमेटो केचप। साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 pinch शुगर। शुगर भी ऑप्शनल है क्योंकि टोमेटो केचप भी मीठा होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए है, स्पाइसी पसंद है, तो आप शुगर स्किप कर दें और टोमेटो केचप की क्वांटिटी भी कम कर दें। थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसे हम बॉईल करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन। अगर आपको ड्राई चिली पनीर चाहिए तो इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। बस इसमें पनीर ऐड करें तो चिली पनीर कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा। बट अगर आपको थोड़ा सा सॉसी चाहिए तो इसमें थोड़ा पानी और ऐड कर लें। इसके अंदर अब हम डालेंगे फ्राई किया हुआ पनीर। इसे टॉस करते हुए हम लाइटली स्टेयर करेंगे। अब इसमें जाएगा बहुत थोड़ा सा विनेगर। विनेगर बहुत ही कम ऐड करना है और साथ ही इसमें जाएगा स्प्रिंग अनियन। इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी। पानी इसलिए ताकि सभी चीजों के फ्लेवर एक साथ इसमें अच्छे से मिल जाएं। अब हम एक बोल में लेंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और इसे पानी से घोलकर एक मिक्सचर बनाएंगे। अब इसे भी हम चिली पनीर में डाल देंगे। इससे क्या होगा कि सॉस थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी और ये सॉस पनीर को बहुत अच्छे से कोट कर लेगी। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। नमक कम ही ऐड करना है क्योंकि सोया सॉस में काफ़ी नमक होता है, इसलिए नमक बहुत ही कम ऐड करें। और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में सोया सॉस ऐड कर रहे हैं तो डिश को टेस्ट करने के बाद ही नमक ऐड करें। ये लीजिए, परफेक्ट लाइट सॉसी चिली पनीर बनकर तैयार है। इसे सर्व करते समय इसमें थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन जरूर ऐड करें। सो टर्न ऑफ द गैस एंड अब बारी है प्लेटिंग की। परफेक्ट चिली पनीर बनाने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। फर्स्ट, पनीर को आप कॉर्नफ्लावर या मैदे से मैरिनेट करें, उसके बाद ही फ्राई करें। इससे ये क्रिस्पी और क्रंची रहेगा और जब ये सॉस में जाएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा जूसी और टेस्टी भी लगेगा। अगर आपके पास मैदा ना हो तो आप सिर्फ कॉर्नफ्लावर से भी इसे कोट कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप आरा रोट में थोड़ी सी मैदा मिलाकर भी पनीर को मैरिनेट करके फ्राई कर सकते हैं। एंड सेकेंड है सोया सॉस। सोया सॉस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा सोया सॉस ऐड कर रहे हैं तो नमक बहुत ही कम क्वांटिटी में या चिली पनीर को टेस्ट करने के बाद ही ऐड करें क्योंकि सोया सॉस में काफ़ी नमक होता है। एंड थर्ड इज, अगर आपको ड्राई चिली पनीर चाहिए तो सेम रेसिपी में आप सिर्फ पानी कम ऐड करें तो ये ड्राई चिली पनीर बन जाएगा जिसे आप स्टार्टर में यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट इज, अगर आप चाहें तो टोमेटो केचप स्किप कर सकते हैं इससे, क्योंकि हल्का सा ये मीठा हो जाता है। अगर आपको मीठा टेस्ट पसंद नहीं है, स्पाइसी बनाना है, तो आप टोमेटो केचप और शुगर स्किप कर दें और इसे थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए इसमें चिली सॉस ऐड कर लें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।